मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। प्रदेश के 13 जिलों के 19 वार्डों में से बीजेपी ने 13 पर कब्जा जमाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकाय उपचुनाव में मिली विजय के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश तेज गति से विकास की ओर अग्रसर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बधाई और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। बड़े हर्ष और आनंद के साथ कह रहा हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश एक के बाद एक जीत के नए नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है। पहले हमने अपने प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार का गठन किया, सरकार के कामों की सफलता के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर भी 29 की 29 सीटें हमने जीती। तदुपरांत उपचुनाव विधानसभा का हो या वर्तमान के नगरीय निकाय का, जैसे मुझे बताया गया है कि आज ही नगरीय निकाय के जो चुनाव पार्षदों के आए हैं, अधिकांश जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। हमारी भारी बहुमत से हर जगह विजय के समाचार मुझे मिले हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर के सेवा की भावना के आधार पर अपनी सरकार की और संगठन की साख लगातार बनाने के लिए चिंता भी करती है और जनता से जुड़े हुए सारे विषयों को लेकर सदैव चिंतित और जागरूक रहती है और जनता प्रतिसाद विजय के नाते से देती है। आइए हम सब चुने हुए सभी पार्षदों का भी अभिनंदन करते हैं और नगरीय निकाय की जीत पर प्रदेश की जनता को मैं आभार भी मानता हूँ, बधाई भी देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को बधाई देता हूँ। मेरी अपनी ओर से विजय सभी जनप्रतिनिधियों